इस समय वडोदरा शहर जो गुजरात में स्थित है काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अनेकों मगरमच्छ विश्वामित्री नदी से निकलकर शहर के गली मोहल्लों बाग बगीचों पार्कों में सैर कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैंने कुछ वीडियो भी आपसे शेयर किया हुआ है और ये लोग पूछ रहे हैं कि ये कहाँ का दृश्य है। तो पहले आप जान लें कि एक विश्वामित्री नदी है जो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 25 किलोमीटर लंबी है और ये पावागढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और वडोदरा शहर के बीच से होती हुई आगे जाके भरूच जिले में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये 40 से 50 मीटर तक चौड़ी है, बहुत छोटी नदी है। बरसात के दिनों में जब ज्यादा वर्षा होती है तो ये नदी, इस नदी में बाढ़ आ जाती है और नदी का जल जो है इसके किनारों को पार करके पूरे शहर में फैल जाता है। और इस साल चूंकि गुजरात में बहुत भारी बारिश हो रही है, खास के वडोदरा, अहमदाबाद, भावनगर, सूरत, जूनागढ़, राजकोट, द्वारका, भुज, ये सब चीजें बाढ़ से प्रभावित हैं और ये विश्वामित्री नदी में सैकड़ों मगरमच्छ रहते हैं। और जब बरसात ज्यादा होती है, जब ये बाढ़ आ जाती है नदी में, तो ये मगरमच्छ नदी से बाढ़ के पानी के साथ निकल जाते हैं और शहर में चारों तरफ फैल जाते हैं और आतंक का माहौल हो जाता है। इसीलिए विश्वामित्री नदी को भारत की सबसे खतरनाक, मोस्ट डेंजरस रिवर माना जाता है। इस समय ये स्थिति वडोदरा शहर के अंदर हो गई है। अभी हमने अभी एक वीडियो शेयर किया है, वो रेलवे, वडोदरा रेलवे कॉलोनी का दृश्य है जहां पर फॉरेस्ट रेंजर उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उस वीडियो पर हमारे एक मित्र ने एक सवाल पूछा, उसे कह दिया कि मारना मत, किल मत, ये मारेंगे नहीं, ये सरकारी कर्मचारी हैं, इनको पकड़ करके पुनः नदी में छोड़ दिया जाता है। तो ये समझ लीजिए कि इस समय आतंक मचा हुआ है, एक तो बाढ़ का पानी और दूसरे उसमें ये मगरमच्छ जो है बेखौफ जो है वो टहल रहे हैं वहां पर। तो ये स्पष्टीकरण है इस वीडियो को देखने के बाद, आप जो है अब समझ जाएंगे विश्वामित्री नदी सबसे खतरनाक नदी जो है भारत की है। नमस्कार।